बीच में तू, बीच में, बीच में स्टार्ट। साथियों नमस्कार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। राजस्थान के तमाम युवाओं को कुछ सौगातों के साथ मैं लाइव जुड़ रहा हूं, जो राज्य सरकार युवाओं को बहुत सारी सौगातें देने की जो कोशिश की जा रही है कई भर्तियों को लेके। एक बार तमाम राजस्थान के युवा हैं जितने भी, उन तक ये लाइव पहुँचा दें। कई भर्तियों को लेके हम इन मुद्दों को आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। बिल्कुल स्वस्थ हूँ और फिलहाल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र हूँ। ऐसे सही है, जितने भी युवा साथी एक बार जुड़ जाए और जोड़ भी दे, क्योंकि मैं आज जो बात कहने जा रहा हूँ वो लंबित भर्तियों को लेके, आज जो हमारी शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो युवाओं को सौगात देने के लिए जो पहल की है, जिनमें कई भर्तियाँ हैं जिनको तुरंत प्रभाव से उन्होंने माना है और उनको पूरा करने का आश्वासन के साथ साथ काम करने के लिए उन्होंने जो कल मीटिंग बुलाई है तुरंत प्रभाव से, जिसमें आपके कई मुद्दे शॉर्ट आउट होंगे। एक बार जितने भी युवा साथी वो जुड़े, मैं एक बड़ी न्यूज़ आप लोगों को साझा करने जा रहा हूँ। 2016 गणित विज्ञान, 2016 अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 और 18 फर्स्ट ग्रेड 14% जिनकी सीटें काटी है वो, और अभी मैं एक पत्र और लिख रहा हूँ जिनके उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे कॉल आए हैं मित्रों के, तो उन पे भी अपन काम कर रहे हैं। LDC पंचायती राज 2013, एक बार आप युवा साथी, क्योंकि मैं अभी सुजानगढ़ बैठा हूँ, जितने भी युवा साथी है मेरे सहयोगी है वो खाना ले रहे हैं, तो मैंने सोचा 10 बजे का टाइम हो गया है, सुबह का अभी तक कुछ नहीं खाया है, लेकिन एक बार युवा साथी जुड़ जाए, ताकि 2016 इनका सबकी बात बता रहा हूँ मैं। फेसबुक लाइव है, डालिए जी। दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है अभी, एक बार आप कमेंट से बता दीजिए ताकि मैं अपनी बातें रखनी शुरू करूं। हमारे साथ है राधे जी मीणा, LDC 2013 की, जिन्होंने बैकलॉग जुड़वाने के लिए पूरी कोशिश की है। आज संडे था तो मेरे साथ था, वैसे आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी युवा साथी एक बार जुड़े, ताकि एक बड़ी न्यूज है 2000 एडिशनल पे भी बोलूँगा, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ तक बात पहुँचा दे एक बार, ताकि मैं प्रॉपर वे से आप लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकूं। 2016, सबसे पहले मैं उन भर्तियों का जिक्र कर रहा हूं जो कल एक मीटिंग रख रही है सरकार, एक मीटिंग ली जा रही है और इस मीटिंग में उन लंबित भर्तियों को पूरा करने जा रही है ये सरकार की। हमारे शिक्षा मंत्री जी माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी की ये संवेदनशीलता ही है जो इन भर्तियों को पूरा करने जा रही है, और उनकी वजह से उन भर्तियों में आप लोगों को फ़ायदा मिलने जा रहा है। आज उनके सामने मैंने 5-6 भर्तियाँ रखी शिक्षा विभाग की, और पहली भर्ती मैं जिक्र कर रहा हूँ जो नंबर एक बिंदु पे था, 2016 अंग्रेजी की SLP वापस ली जाए। आप लोगों को पता है कि 2016 अंग्रेजी विषय की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों में जीतने के पश्चात सरकार इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और वर्तमान में हमारी टीम ने जो काम किया, जो बात रखी है उनके सामने, कल उस पर एक मीटिंग है। इस मीटिंग में कल भी होगी, संभवतः परसों भी हो सकती है, अगर कल तक बात बनती है तो ठीक है, और संभवतः इसमें DOP लीगल और इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे शिक्षा मंत्री जी के जो भी काम देख रहे हैं वो अधिकारीगण सभी मौजूद होंगे, और संभवतः आप सभी को, मैंने पहले भी कहा था हमारा जो प्रयास चल रहा था उसी प्रयास में आप लोगों को सफलता मिलेगी, संभवतः एक बड़ी न्यूज़ निकल के आएगी। संभावना यही है कि आप सभी लोगों को बधाई मिलेगी। 2016 मैंने आपको पहले भी कहा था सरकार SLP वापस ले रही है, इसमें सरकार पूरी पॉजिटिव है दोस्तों, और कल इसमें मीटिंग है, संभवतः आप लोगों को शाम तक सारी बातें मैं रख दूंगा। 14% के जितने भी युवा मैसेज कर रहे हैं वो भी मैं बात रखूँगा,
2016 इंग्लिश के साथ साथ 2016 गणित विज्ञान। शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को समझा है, हेमंत जी जो उनके काम देख रहे हैं, उनके पीए साहब, उन्होंने इस बात को समझा है, उन्होंने पॉजिटिव बात को माना है। इतने युवा तक बात पहुंचाते, किन किन भर्तियों को पूरी कर रहे हैं सरकार, युवा को सौगात दे रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा दिव्यांगों की, जो आपने मैं नहीं लिख पाया लेटर में, लेकिन आगे मैं ज़रूर लिखने की कोशिश करूँगा। 2016 गणित विज्ञान, 2016 इंग्लिश, दोनों एक साथ ही बात रखी जा रही है और दोनों में सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आप लोगों के हित में फैसला लेगी। 100% कुछ ऐसी बातें हैं आप लोगों के सामने और भी राह मैं रखना चाह रहा हूँ। बहुत सारे युवा जो 14% का कमेंट कर रहे हैं, उससे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, एक और पत्र मांगा गया है, एक पत्र भेजा है मैंने अभी पब्लिक नहीं किया है। LDC पंचायती राज 2013, आप लोग पूछ रहे थे ना दोस्तों काम हो रहा है नहीं हो रहा है। जब मैंने ये शिक्षा विभाग की बातें रखी, उसके पश्चात इतने फोन्स आए, अभी मैं लेटर टाइप किया है सुजानगढ़ में यहीं पे चौक पे, लेकिन वो उसमें कुछ इश्यूज है, मैंने वो हटाए और लेटर टाइप करके भेज दिया। 1-2 हज़ार, ये आप लोगों को बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ, 2013 LDC पंचायती राज, आपको बड़ी न्यूज़ मिलेगी दोस्तों। बड़ी न्यूज़ का मतलब आपका काम हो रहा है, 10,029 परिवारों का भला हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तत्परता दिखाई है माननीय शिक्षा मंत्री जी PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी ने दिखाई है, और वो तुरंत प्रभाव से इस चीज़ को रख रही है। और कल इस मैटर को लेके मीटिंग भी है जिसमें CM खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। LDC पंचायती राज, आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों को ये तीन जो भर्तियां हैं जिनको मैं ये मान के चल रहा हूँ 100% सरकार कर रही है, 100% LDC पंचायती राज, 2016 गणित विज्ञान, 2016 अंग्रेजी। इसके अलावा दो भर्तियां और, 2016 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, इसको मैंने पाइपलाइन में डलवाया है क्योंकि इसको सरकार इस पर काम नहीं कर रही थी। 2018 वरिष्ठ अध्यापक, ये जो भर्तियां जो जिनकी लंबित भर्तियां हैं उनको अभी पाइपलाइन में डलवाया है। 2018 के प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेके 14% सीटों को बढ़ाने को लेके जितने भी युवा जो संघर्ष कर रहे थे, शानदार उनका संघर्ष है, उनकी पूरी बात प्रॉपर तरीके से पहुँचा दिए। कल की मीटिंग में उन्हीं की भी बात होगी, उनको पाइपलाइन में डलवाया, संभावना ये है कि उनके हित में कार्य हो सके, संभावना ये है कि उनके हित में कार्य हो सके। और हमारी पूरी टीम की कोशिश है, इन चीज़ों में सरकार पे पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और संभवतः आप लोगों को उसमें सरकार जल्द ही राहत प्रदान करेगी, क्योंकि सरकार ने इस मैटर को लेके एकदम से नेगेटिव थी। उनको बात समझाई किस प्रकार की सीटें थी, उन्होंने हमारी बातों को समझाया, आपकी टीम के मेंबर सारे मेरे साथ ही थे आज, उनके सामने उनकी बातें रखवाई है। पूरा प्रतिनिधि मंडल नहीं था उसमें, पूरे युवा साथी थे, और जो युवा साथी मेरे साथ है आज उनकी मैंने बातें रखवाई है। 2018 की वेटिंग लिस्ट के युवा साथी आप लोग भ्रमित हो रहे थे, आप भ्रमित होंगे तो भ्रमित होते रहेंगे, आपको मैं क्लियर उस दिन ही बोला था, आपको सही मुद्दे पे चलना पड़ेगा, उसी के आधार पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी के आधार पे हम कार्य कर रहे हैं। 2016 को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, जो दो भर्तियां हैं, और 2016 वरिष्ठ अध्यापक के जितने भी युवा साथी हैं जो मुझसे कल मिले थे, आपकी जल्द ही आपको भी जो भर्ती जो पेंडिंग पड़ी थी, आज मैंने उनको बोला था कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट होके आ गई है, जिसमें थोड़ी सी सरकार की मंशा ही स्पष्ट करनी है, तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे मांगी है और उनको स्पष्ट तौर से कल की मीटिंग में रखा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, जो भी चीज़ें होगी मैं आप लोगों को सारे को आपको सारी जानकारी साझा कर दूंगा। और अभी काफ़ी लेट नाइट को आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ, सुजानगढ़ से निकल रहा हूँ जयपुर के लिए, कल सुबह वहीं पर मौजूद रहूँगा, आपको सारी जानकारी मैं साझा करता रहूँगा। और LDC पंचायती राज के जितने भी युवा साथी है, रीट 2018 के बारे में लिखा है पत्र, जल्द ही आपके सामने सारी बातें साझा कर दीजिए। LDC पंचायती राज के जितने भी युवा साथी है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, आपकी भर्ती कंप्लीट हो रही है दोस्तों, काफ़ी सालों से आप संघर्षरत थे, ये चीज़ें मैं आप लोगों को उनके
जल्दी इसकी खुशखबरी सरकार दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े, जितने भी LDC पंचायती राज के ग्रुप्स हैं उनमें ये बात अच्छी तरीके से आप पहुँचा दें कि जल्दी आपकी भर्तियाँ कंप्लीट हो रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। कुछ युवा साथी जो LDC पंचायती राज का कार्य कर रहे थे, उन्होंने वाकई में कार्य किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उसको फल के रूप में जो समझाने की जो प्रयास है वो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो रखी जा रही है, तो इसमें सरकार पहले से पॉजिटिव थी। और आप सभी लोगों को मैं चाहता हूँ जल्द बधाई मिले एक सरकार की तरफ से। मैं सरकार का आज धन्यवाद अर्पित करने आया था क्योंकि उन्होंने मुझे हिंट दिया था, लेकिन युवा के कई संवाद थे और आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की तमाम भर्तियां मैं पूरी करवाऊंगा। दोस्तों आप चिंता ना करें। और मैं सुजानगढ़ के विधानसभा क्षेत्र आप लोगों को पता है वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ और उसी चौक से मैं आप लोगों को लाइव कर रहा हूँ। आपके लेटर में सेकेंड ग्रेड 2018 का दोस्त एक नाम में एडिट 16 वाला कॉपी से शायद 18 रह गया था, वो मैंने करेक्शन कर दिया है 2018 का, और 2018 का मैं पेज से संशोधन कर दूंगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। 2018 वाले युवा साथी घर बैठे काम नहीं होगा, और जो घर बैठे काम करवा रहे हैं उनको पहले से कह रहा हूँ आप लोग आज मौका चूक गए हो। एक बड़ा मौका था क्योंकि जो फाइल्स आपकी जो चाहिए थी वो मेरे पास मौजूद नहीं थी, फिर भी मैंने आपकी बात रखी है दोस्तों। और गुस्सा इस बात का आता है कि आप लोग अपनी बात पे कायम नहीं रहते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े। एडिशनल का मैटर में जितने भी युवा साथी है उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि जितने भी एडिशनल के युवा साथी है 14% का मैटर रखवाया है। और सारी बातें एडिशनल की भी बातें मैं रखूंगा, कल मेरी वापस मीटिंग है तो मैं आपको सारी चीजें साझा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। हाँ कुछ इस चीज में आपको कल लगभग दोपहर के लगभग मैं आप या शाम को 8 बजे के लगभग मैं लाइव करूंगा, तो सारी चीजें आपको साझा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब काफी रात हो चुकी है, काफी युवा मेरा वेट भी कर रहे हैं, तो मैं निकलूंगा यहाँ से खाना खाने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।